Hey beautiful people, namaste and welcome back to my channel. I am Parsham. Welcome to yet another video. So today I am going to Teesadari and today I am going to show you what's a day as an intern looks like. So अभी 8 बज रहे हैं, मैं 8:30-9 तक निकलूंगी क्योंकि मेरे को आज 30,000 जाना है. तो उससे पहले मैं सारे के सारा आज के केसेस के वो देख लूँ कि भाई कौन कौन से जजेस के कौन कौन से रूम नंबर्स हैं, क्योंकि मैं 30,000 में खो जाती हूँ, मैं 2-3 बार खो चुकी हूँ. तो आ जाओ फिर एंड देखते क्या रहता है आज. आ जाओ. मेरे को ना याद नहीं होता कौन सा कोड कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है. मतलब मैंने लिख रखा है इसलिए मैं दिखाती हूँ. मैंने बड़े सजा के लिखा था. ये देखो, ये सारा मैंने लिखा है अच्छे से कि भाई कौन सा उसमें कौन सा. मैंने देखो कैसे डेकोरेट करा, देख रहे हो. अभी मेरे पास ये फाइल है, ये डायरी है. अब मैं फटाफट से सर्च करती हूँ. आज मेरा 30,000 में है, दैट मीन्स वेस्ट एंड सेंट्रल में पड़ता है. तो अभी फटाफट से सर्च करेंगे एंड देखते हैं. सो द सर्चिंग इज डन एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी इन जस्ट 3, 2, 1. डन. सो अभी फटाफट से निकल रहे हैं एंड अब रास्ते में मिलेंगे. अच्छे से प्रॉपरली रेडी हुई हूँ मैं. तो आ जाओ जल्दी से आ जाओ. दिस इज द बैग विच आई एम कैरिंग टूडे. इसमें नॉवल है, कॉम है और परफ्यूम है. कोई नहीं, दिख रहा है. डायरी है, पेन है और फाइल है. तो अभी मैं फटाफट से 30,000 के निकल रही हूँ. अब टाइम क्या हो रहा है, ज्यादा हो गया, लेट हो रही हूँ. बाय. ज्यादा भाग दौड़ हो गई है, बाल देख के पता चल गया होगा. अभी मेरे को अभी बहुत सारे मतलब 3-4 केस थे, अटेंड कर लिए हैं. अब सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी है तो वो भरी है. अब जाते हैं एंड अप्लाई करते हैं, अटेस्ट करवाते हैं. तो सर्टिफाइड मैंने अप्लाई कर दिया. नाउ आई एम हैविंग सम प्रूफ चार्ट. सो आई एम इन कॉलेज, आई एम इन ऑफिस राइट नाउ. अभी 4:45 हो गए हैं एंड मेरे को जजमेंट वगैरह ढूंढना हो पाई है. मैंने एक जजमेंट तो ढूंढ दी सुप्रीम कोर्ट की, बाकी ढूंढना मुश्किल हो रहा है. मैं वीडियोस देख रही थी, वीडियोस में कुछ मिल जाए. ऑर्डर 38 रूल 5 ऑफ सीपीसी. हाय, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आज मेरे को ऑफिस ही आना था तो मैं ऑफिस ही आई हूँ. अभी काम है, एग्जीक्यूशन पिटीशन बना रही हूँ. तो एक्चुअली मैं ऐसे लीगल टर्म्स वगैरह यूज़ कर देती हूँ, फिर उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करती. तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक्सप्लेन कर देना चाहिए. तो एग्जीक्यूशन पिटीशन होती है जब आपका केस जो चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर पास कर देता है. अब उस ऑर्डर को फुलफ़िल करना होता है विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो उधर अगर वो ऑर्डर फुलफ़िल नहीं करती अपोजिट पार्टी, या हाँ अपोजिट पार्टी ही अगर फुलफ़िल नहीं करती, जैसे हमारे केस में जो ऑर्डर आया था वो हमारे फेवर में था, तो वो अपोजिट पार्टी ने फुलफ़िल नहीं किया, तो अब हम एक पेटिशन लगाएंगे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए. दैट पेटिशन इज़ नोन एज एग्जीक्यूशन पेटिशन. तो वो पेटिशन बना रही हूँ जो कि लगनी है, तो होपफुली वो बन जाए. तो बस यही था एग्जीक्यूशन पेटिशन का, होपफुली समझ में आया थोड़ा सा. एग्जीक्यूशन पेटिशन. नाउ मेरे को जो दूसरा काम मिला है, मेरे को है, हमारे पास कैंटरबेल के बहुत सारे केसेस हैं. तो कैंटरबेल
केसेस जो उन जोन से हैं उनकी मेरे को लिस्ट बनानी है, फिर उसके बाद उन केसेस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग क्या थी वो देखना है, अब उसमें और नेक्स्ट डेट पे क्या होएगा वो, और पिछला ऑर्डर क्या है वो, तो उन सबकी मेरे को लिस्ट बनानी है। अभी तक मैंने इतनी बना ली है और अभी मेरे को और बनाने हैं, और भी हैं, तो आ जाओ फिर। ये सारी हैं कैंटरबेल की फाइल्स, देख रहे हो, ये मेरा डेक्स का हाल। कैंटरबेल वाला काम हो गया है, बहुत ज़्यादा खिंच गया, लाइक अब 3:30 हो रहे हैं और मैंने ये स्टार्ट करा था आई गेस 12 बजे के करीब, बहुत ज़्यादा ही था। तो अच्छा वो अभी हो गया है, नाउ मेरे को क्या करना है, ये जो पूरी रखी है ना, ये मेरे को टाइप करनी है। एंड हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मतलब ये हैक आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पता था किसी को, मैंने बताया है। तो क्या है, मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ, फिर गूगल फोटोज़ में स्कैन का ऑप्शन होता है, वो स्कैन करके कॉपी करके अपने मेल करके, मतलब मेल में जो चैट होती है उसमें पेस्ट करके सेंड कर दिया खुद ही को, एंड लैपटॉप में लॉग इन कर कर उधर से कॉपी करके वर्ड पैड पे पेस्ट कर दिया, एंड यू आर डन। तो चलो फिर वो करते हैं, एंड फिर थक गई हूँ मैं लेकिन। Take my hand so we can run away.